आपके बच्चे बाहर से आते हैं, उनके पैरों को गुनगुने पानी से अच्छी तरह से धुलवाइए और साफ कपड़े से पोछवाइए, उसके बाद ही एंटर मतलब घर में आने दीजिए। इसके अलावा उन्हें प्लास्टिक कैनवास या चमड़े के जूते ना पहनाएं, क्योंकि इनमें पैर सांस नहीं ले सकते और इन्फेक्शन का डर भी रहता है। बारिश के मौसम में सभी कीटाणुओं को छुटकारा पाने के लिए सब्जी और फलों को नमक के पानी या साफ पानी से अच्छी तरह धो लें और अच्छे कपड़े से साफ कर लें और ताज़ा बना खाना ही खाएं। मानसून के मौसम में बच्चे बीमारी की चपेट में आ जाते हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि बच्चे अपने अधिकांश समय घर में ही बिताएं। आप बाहर जाने से बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है, पानी की प्रदूषित पानी के संपर्क में आते हैं, बच्चे कीचड़ वगैरह इनका पानी आपके पास आता है तो आपको इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम हो फिर वॉमिट वगैरह उल्टी वगैरह होती है, इसलिए बच्चे अपनी कोई भी एक्टिविटी हो घर में ही करें। आप सभी सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा नियमित रूप से एक पौष्टिक आहार ग्रहण करे, जिसमें आप सूप दही फल सब्जियां वगैरह शामिल कर सकते हैं, और आप उन्हें इस मौसम में एंटीसेप्टिक साबुन से नहलाएं। बरसात के मौसम में जगह जगह मच्छर होते हैं, इसलिए मच्छरों से बचाव के लिए अपने घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें और डॉक्टर की सलाह लेकर मच्छर की क्रीम लगाएं। हेलो, गुड आफ्टरनून। हम उम्मा टैगोर पब्लिक स्कूल में इंटरेस्टिंग इंडोर एक्टिविटीज सिखाते हैं, जिससे बच्चे घर के अंदर कई चीज़ें सीख सकते हैं।
जैसा कि आप सब जानते हैं, चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी के बाद आती है मानसून का मौसम आता है। सब कुछ सही लगता है और अच्छा भी लगता है, बट हमें कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। जैसे कि खासकर जब बात बच्चों की आती है तो मानसून के दौरान हम कई बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन संक्रमण होना आम बात है। इसलिए हमें बच्चों को फिट और स्वस्थ रखने के लिए हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ऐसे बरसात के मौसम में बच्चों के स्वास्थ्य जांच कराना बहुत ज़रूरी है।